क्लास टू चैप्टर नंबर थ्री पुस एंड द पैरोट। यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए न्यू वर्ड दिए हुए हैं, पहले उसको जान लेते हैं। पहला वर्ड है हंग्री, HUNGRY, हंग्री, हंग्री माने भूखा। दूसरा वर्ड है PAWS, पॉज, पॉज माने पंजे, जैसे कि बंदरों के या बिल्ली के पंजे होते हैं ना, उसको कहते हैं पॉज। थर्ड वर्ड है रेनी, RAINING, रेनी यानी बरसात होना, यानी बारिश होना, उसको कहेंगे रेनी। फोर्थ वर्ड है HEAR, हियर, हियर मतलब क्या होता है, हियर मतलब होता है सुनना, ठीक है, हियर मतलब सुनना। और नंबर फिफ्थ है WAIT, वेट, वेट मतलब इंतजार, इंतजार करना, ठीक है, इंतजार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टोरी। इट इज रेनिंग यानी बरसात हो रही है। पुस द कैट इज फीलिंग हंग्री। पुस है जो एक कैट का नाम है, एक बिल्ली का नाम क्या है, यहाँ पुस है, ठीक है। ये जो एक बिल्ली है उसका नाम पुस है, वो बहुत ही भूखी है, उसको भूख महसूस कर रही है, उसको फीलिंग महसूस हो रहा है कि वो बहुत भूखी है, ठीक है। देयर इज नो फूड, लेकिन फूड नहीं है, भोजन नहीं है। देयर इज नो रैट्स, और रैट्स भी चूहे भी नहीं है। ही लुक्स हियर एंड देयर, वो देख रही है इधर और उधर कि कहीं कुछ मिल जाए। ही सीन्स अ पैरोट सिटिंग ऑन ए ट्री, वो क्या देखी, वो देखी कि एक पैरोट जो है, एक तोता है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो पेड़ पर बैठा हुआ है। ही रिक्वेस्ट द पैरोट, वो रिक्वेस्ट करती है पैरोट से। अब क्या रिक्वेस्ट करती है, चलिए देखें आगे। पुस, पुस जो बिल्ली है वो रिक्वेस्ट कर रही है पैरोट से। पुस बोल रही है क्या, तो पुस, मिस्टर पैरोट यू सिंग वेल, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। मिस्टर पैरोट, मिस्टर तोते, तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत ही अच्छा, यू सिंग वेल, तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए गाना गाओ। पैरोट अगर ऐसा किसी को बड़ाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा ना। तो देखो पैरोट क्या होता है, पैरोट फीलिंग वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हो जाता है। यस यस, ला ला ला, डम डिम डम, और उसके बाद बोलता है हाँ क्यों नहीं, और उसके बाद वो गाना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पे तोता जो है ये ट्री पे बैठा हुआ है और ये गाना शुरू कर दे रहा है, एकदम आँख बंद करके अपना गाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये बिल्ली बहुत खुश है, आहा हा, चलो चलो कुछ खाने को तो मिला, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। पुश, अब फिर ये पुश कैट बोल रही है, आई कैन नॉट हियर यू मिस्टर पैरोट, प्लीज कम नियर मी, बोल रही है कि मैं तुमको नहीं सुन पा रही हूँ मिस्टर पैरोट तोते, मैं तुमको नहीं सुन पा रही हूँ, प्लीज कम नियर मी, तुम मेरे पास आओ। तो फिर क्या बोला है पैरोट, पैरोट बोला नो नो मिस्टर पुस, यू मे ईट मी, नहीं नहीं मिस्टर पुस, मैं नहीं आऊंगा, तुम आएंगे तो क्या करेगा, तुम मुझे खा लोगी, ठीक है। आगे देखते हैं, पुस, नो माय डियर, आई एम एन ओल्ड कैट, आई हैव नो टीथ, आई कैन नॉट ईट यू। तो पुस क्या बोला है, नो माय डियर, नहीं मेरे प्यारे, आई एम ओल्ड कैट, मतलब क्या है, मैं एक बूढ़ी कैट हूँ, एक बूढ़ी कैट हूँ, आई हैव नो टीथ, मेरे पास टीथ नहीं है, दांते नहीं है, आई कैन नॉट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खा सकती हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं खा सकती हूँ। अब पैरोट बोल रहा है, देन हियर आई कम, ला ला ला, डम डी डम टारा ला ला। अब क्या हुआ, वो वहां आया और फिर गाना शुरू कर दिया, कौन गाना, ला ला ला, डम डी डम टा ला ला ला। तो पुस जैसे वो नीचे आया तो पुस क्या की, पुस जंप्स
on the parrot and holds him in his paw. यानी क्या किया पुस जंप किया किस पर पैरोट पर ऑन द पैरोट जंप किया और होल्ड किया यानी होल्ड मतलब होता है जकड़ना पकड़ना अपने पंजों से पैरोट को पकड़ लिया जकड़ लिया पैरोट यू आर ए गुड कैट इफ यू वांट टू ईट मी यू आर ए गुड कैट यानी तुम एक अच्छी बिल्ली हो इफ यू वांट टू ईट मी तुम यदि मुझे खाना चाहती हो तो यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड एंड फेस क्या करना है तुमको पहले तुम्हें अपने हाथ और मुंह को जरूर धोना चाहिए दैट इज वॉट ऑल गुड कैट्स डू जैसे कि सब अच्छी बिल्ली करती है ये पैरोट पुस को बोल रहा है अब पुस क्या बोल रहा है देखो पुस बोल रहा है जस्ट सी हाउ फास्ट आई वॉश माई फेस एंड हैंड जस्ट सी तुम देखो कि मैं कितनी जल्दी अपने फेस यानी अपने चेहरे और हाथ को धोती हूँ यू स्टैंड हियर एंड सी यहाँ पे तुम खड़े रहो और देखो तो पैरोट बोल रहा है I am not going to wait for you to eat me up. Here I go. Bye bye, Puss. यानी मुझे खाने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला मैं जा रहा हूँ बाय बाय पुस बाय बाय इस तरह पैरोट ने अपने चालाकी से पुस के चंगुल से बच गया और वहां से उड़ गया देखो जैसे कि पुस जैसे घूमी हाथ धोने के लिए तब तक यहाँ पैरोट उड़ के कहाँ चला गया फिर पेड़ पर चला गया और उड़ गया अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट है कलर द बर्ड यू फाइंड इन द स्टोरी अब तुम्हारी स्टोरी में कौन से पक्षी आए हुए हैं तो कौन सा पक्षी है पिजन तो आया नहीं है ये भी पक्षी नहीं आई है तो ये क्या है पैरोट है यानी पैरोट आया तो उसको हमको कलर करना है तोते ग्रीन कलर के होते थे ग्रीन कलर से कलर करना है यहाँ पे है कुछ सेकंड है टिक द राइट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग सेंटेंस यहाँ पे सही सेंटेंस पे सही मार्क्स और गलत पर गलत मार्क्स देने हैं ठीक है जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स नंबर ए है इट इज ए रेनी डे सही है क्या रेनी डे था हाँ रेनी डे था तो ये हो गया ट्रू सही नंबर बी पुस इज नॉट फीलिंग हंग्री क्या पुस को भूख नहीं लगी थी ना तो यहाँ पे ये क्रॉस हो गया ये गलत हो गया फॉल्स हो गया नंबर सी पुस ईट्स द पैरोट क्या पुस खा गई पैरोट को नहीं ना पैरोट बच गया था ना तो ये भी गलत हो गया नंबर डी द पैरोट जंप ऑन पुस क्या पैरोट जंप किया था पुस पे नहीं ना नहीं किया था तो वो गलत होगा क्रॉस होगा फॉल्स होगा ठीक है यहाँ पे नंबर थर्ड है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक इसको जैसे जैसे हुआ है इसको अपने नोटबुक में हमको ये सेंटेंस को सजाना है कैसे कैसे ये होगा मैं इसका एक्सरसाइज आपका लिंक दे दूंगी और मैं बनाकर आप इसको कर लेना ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है इन सारे क्वेश्चन आंसर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिसे आप आगे कर लेना यहाँ पर है किसने किसको कहा क्या कहा ये है जैसे कि नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू मतलब किसने कहा था पुस कहा था ना द कैट जो पुस थी वो कही थी तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा पुस द कैट यहाँ पे यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड एंड फेस कौन बोला था कि अपने मुंह हाथ धो के आओ पैरोट ने कहा था ना तो यहाँ पे फिल पैरोट हो जाएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट है यू स्टैंड हियर एंड सी कौन कहा था पुस ने कहा था ना पुस एक कैट ने कहा था पुस द कैट यहाँ पे भरा जाएगा नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू टू ईट मी अप ये किसने कहा था ये पैरोट ने कहा था इसी तरह हमको यहाँ पे फिल करना है इसी तरह चैप्टर नंबर थर्ड पुस एंड द पैरोट समाप्त होता है थैंक यू